हेलो फ्रेंड्स, पवार डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मैथमेटिक्स के पोर्शन में एलसीएम एचसीएफ नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके संबंध में हम तीन वीडियो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हम बना चुके हैं। ठीक है ना, वो आपने देख ली होंगी, अच्छे से समझ लिया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो आप उन वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो, आपके डाउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या व्हाट्सएप कॉलिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है ना, डाउट क्लास का टाइमिंग भी आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा कि कब, किस टाइम कब डाउट आना है। जो भी आपका डाउट होगा, किस टाइम क्लियर करना है, आप ग्रुप में डाल देंगे, हैंड टू हैंड क्लियर होगा। अब से रेगुलर आपकी क्लास चलेंगी, रेगुलर हर मैथ्स की, इंग्लिश की सारी क्लास रेगुलर चलेंगी, और ऐसी ही चलेंगी क्लास रूम ऐप, गूगल क्लास रूम ऐप के थ्रू चलेंगी। इस पर ही आपको होमवर्क दिया जाएगा, इस पर ही आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सब कुछ इसी पर चलेगा रेगुलर। ठीक है ना, और फिर टेस्ट भी नेक्स्ट वीक से टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वीक अच्छे से पढ़ते हैं जिससे हम नेक्स्ट वीक टेस्ट में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये है एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फोर। इस पार्ट फोर में अपने देखो, इससे पहले जो वीडियो थी उनको एक बार देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन आते थे, अगर लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, तो उसमें एलसीएम लेना होता था। ठीक है ना, और बाद में एक रिमाइंडर बचता था जिसको हम प्लस करते थे। लेकिन इस पार्ट में क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, इसमें रिमाइंडर एक ना बच के दो तीन एक साथ रिमाइंडर बचते हैं, वो देखते हैं कैसे। अगर रिमाइंडर एक से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए, पढ़िए ज़्यादा ध्यान से। द लीस्ट नंबर विच इज वैन डिवाइडेड बाई 4, 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसका रिस्पेक्टिवली वो चार ऑप्शन दिए, 57, 59, 61, 63, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, आपको लीस्ट सबसे छोटे क्वेश्चन को समझो। देखो मैथ्स में क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। ध्यान से इस वीडियो को देखें, बिल्कुल शांत एकांत में बैठकर, और उसको ध्यान से समझें कि द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6। आपको एक सबसे छोटा नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर आए, 5 से डिवाइड करूँ तो 2 रिमाइंडर आए, 6 से डिवाइड करूँ तो 3। मतलब सबका रिमाइंडर अलग अलग है, सबका रिमाइंडर डिफरेंट है। 4 का रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 5 का रिमाइंडर 2 आना चाहिए, 6 का रिमाइंडर 3 आना चाहिए। जबकि इससे पहले जो हमने टाइप पढ़ा था उसमें सबका रिमाइंडर एक ही होता था कि 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आए, 3 आए, उसको हम प्लस कर देते थे। अगर अलग अलग रिमाइंडर आए तो क्या करना है। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले वो नंबर ढूंढना है जो इनसे डिवाइड हो, 4, 5, 6। तो आप 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने की टेक्निक आपको बताई हुई है मैंने। ठीक है ना, तो 4, 5, 6 का एलसीएम आप ले लेंगे फटाफट। 2, 5, 3, फिर 2 से काटेंगे, 1, 5, 3, एक बार 3 से कटेगा और एक बार ये कटेगा आपका, पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक है, 5, तो 1, 1, 1 ऐसे तो लेते हैं आप एलसीएम। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक टेक्निक है और एक तरह से पुरानी टेक्निक है, बड़े बड़े क्वेश्चन में यही काम आती है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको वीडियोस में बताई। फटाफट एलसीएम लेना, आप जितना ज़्यादा एलसीएम लोगे उतना जल्दी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो 2, 2 जो 4, 4, 3 जो 12, 12, 5 जो 60, यानी कि सबका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है ना, तो 4, 5, 6 तीनों से कटने वाला नंबर क्या हो गया, 60 हो गया। लेकिन 60 को जब मैं 4 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, 6 से काटूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई एलसीएम है। एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। मैंने आपको बार बार बताता हूँ, एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर दे। तो 60 ऐसा नंबर है सबसे छोटा लीस्ट। देखो लीस्ट तो क्वेश्चन में आपने देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो लीस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर है लेकिन जो सबसे डिवाइड होता है। लेकिन डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। लेकिन रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, 1, 2, 3। अरे यार, यहाँ पे 1, 2, 3 चाहिए, एक्चुअल में 0 आ रहा है। तो क्या करें, सिंपल टेक्निक है, याद रखो, अगर सबका रिमाइंडर एक ही हो, मतलब कोई भी एक ही सबका रिमाइंडर एक जैसा हो, 2 हो या 3 हो 4 हो, तो उसको तो हम प्लस कर देते हैं जैसे पहली वीडियो में किया था। लेकिन जब सबके रिमाइंडर अलग अलग हो तो आपको देखो क्या करना है, इनका डिफरेंस देखो, 4 से रिमाइंडर 1 आया तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3। 5 से रिमाइंडर 2 आया, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3। 6 से रिमाइंडर 3 आया, इसका भी डिफरेंस क्या है, 3। सबका डिफरेंस सेम है, ये हमेशा सेम रहता है, नंबर का और रिमाइंडर का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। देख लो, 4, 1, 5, 2, 6, 3 ये नंबर हैं और ये रिमाइंडर्स हैं।
तो नंबर और रिमाइंडर्स का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। आप कहोगे अलग आएगा तो क्या करेंगे, अलग आएगा तो वो क्वेश्चन वैलिड ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखेंगे सबका डिफरेंस क्या आता है, सेम। जो डिफरेंस आया है थ्री, ध्यान से सुने, जो डिफरेंस आया है उसे LCM में से माइनस कर देंगे। 60 माइनस 3 क्या हो गया, 57। 57 इसका आंसर है ए ऑप्शन। अब आप 57 को 4 से डिवाइड कर लो या 5 से डिवाइड कर लो या 6 से, तीनों ही केस में 1, 2, 3 रिमाइंडर आएगा। 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे 3। करके देख लो 57 को डिवाइड, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो टेक्निक को दोबारा समझे, आपको LCM लेना है सबसे पहले, और LCM में से डिफरेंस नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस को माइनस कर देना है, नंबर्स और रिमाइंडर के डिफरेंस को LCM में से माइनस कर देना है, ये आपका आंसर। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, ठीक है ना, यही करना है आपको हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए द लीस्ट, देखो इस क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27 एंड 36 लीव द रिमाइंडर 5। ऊपर नंबर लिख लेना, नीचे रिमाइंडर, सबसे आसान टेक्निक है। 5, 14 एंड 23 रिस्पेक्टिवली, सेम क्वेश्चन है जैसा पहले क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गई है। पहले यहाँ पे 4, 5, 6 था, आ गया 18, 27, 36। फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसे 18 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आए, 27 से डिवाइड करो तो 14 रिमाइंडर आए, 36 से डिवाइड करो तो 23 रिमाइंडर आए। तो आपको पता है आपको ऊपर वाले नंबर्स का जिनसे डिवाइड करना है उनका LCM लेंगे, ठीक है ना, इनका LCM आप वीडियो पॉज करके फटाफट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इनका फटाफट LCM लेंगे, तो इसका LCM हो जाएगा, मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर, आप इतना अपना LCM फटाफट निकालिए। ठीक है, तो उसका LCM हो जाएगा फटाफट करना, 3 से डिवाइड करेंगे 6, 9, 12, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3, 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1, 3, 2, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 1, 3, 1, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1, 1, 1, तो 3, 2 जा 6, 6, 2 जा 12, 12, 3 जा 36, 36, 3 कितना हो गया 108, 108, इसका LCM आ गया 108। तो 108 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 18, 27 और 36 तीनों से ही क्या हो जाता है डिवाइड, फटाफट LCM लेंगे। ठीक है ना, LCM जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। इस टेक्निक से लें या डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो भी टेक्निक्स है पहले वीडियो में, ठीक है ना, लेकिन मेन टेक्निक इसकी यही है। तो 18, 27 और 36 का आपने LCM ले लिया है, 108, यानी कि 108 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 5, 14, 23 अलग अलग रिमाइंडर है। अगर एक ही रिमाइंडर होता तो मैं प्लस कर देता, ध्यान दे इस बात पे, दो अलग अलग जो पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन थे इस पार्ट में पहले एक ही रिमाइंडर बचता था तो मैं इसमें प्लस कर देता, हमारा आंसर आ गया था। लेकिन इस वीडियो में अलग अलग रिमाइंडर हैं तो उनका डिफरेंस देखो भाई, इसका डिफरेंस 13, इसका भी डिफरेंस 13, सबका डिफरेंस 13 आ रहा है, देख लो आप चेक कर सकते हो, ये हमेशा सेम आता है, नंबर और रिमाइंडर तीनों का डिफरेंस सेम है 13। जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे, 108 माइनस 13 यानी कि 95 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन लगाएंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए, द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसके नीचे करा देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4-डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 2, 6 एंड 14।
फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, आपको चार डिजिट, अब देखो ये वही क्वेश्चन आ गया डिजिट वाला, ठीक है ना। ये डिजिट एक क्वेश्चन होता है सिंपल जो हमने पहले किया था, इससे तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन होता है डिजिट वाला जिसमें फोर डिजिट फाइव डिजिट, और फोर डिजिट फाइव डिजिट वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं पिछले वीडियोज में, तो सेम यहाँ पर भी सेम करना है। आप कहोगे अलग क्या है, अलग बस यही है कि इनके रिमाइंडर्स क्या है अलग अलग हैं। नंबर्स 12 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 16 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 24 से डिवाइड करूंगा तो 14 आएगा। फिर से डिफरेंस देख लो, 10 10 और 10 का डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो अगर सब सबका रिमाइंडर एक ही होता तो क्वेश्चन के एंड में हम प्लस कर देते, अगर सबका रिमाइंडर अलग अलग है तो उसका डिफरेंस, नॉट नंबर्स, उनका डिफरेंस, नंबर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है ये 10, इसको लास्ट में माइनस कर देंगे। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है टेक्निक, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद बिगेस्ट पॉसिबल नंबर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, और वो नंबर हम निकाल लेंगे जो सबसे बड़ा नंबर, इन चार चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 12, 16 और 24 से कट जाए, ठीक है ना। तो फोर डिजिट का बिगेस्ट नंबर जो 12, 16 और 24 से डिवाइड हो जाए वो हमें निकालना होता है। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, तो फटाफट एलसीएम ले लो, 12, 16, 24, आप एलसीएम लेते रहना, मैं निकाल रहा हूँ। इसका एलसीएम हो जाएगा 144, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, 48, ठीक है ना, 48 इसका एलसीएम है, ठीक है ना, 48 इज दी एलसीएम, 12, 16 और 24 का एलसीएम 48 है। तो 48 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो, लेकिन ये फोर डिजिट का तो नहीं है, और इनसे डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो आपको क्या करना है, 48 तो उसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 48 तो उनका एलसीएम है, आपको बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर निकालना है। तो 48 को 48 से बिगेस्ट पॉसिबल फोर डिजिट नंबर को हम क्या कर देंगे डिवाइड, 99999। ये टेक्निक होती है, कोई भी ये क्वेश्चन, ये एक नंबर सिस्टम की थ्योरी है कि कोई भी आपको बड़े से बड़ा नंबर निकालना हो जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता हो तो उसको डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। देखो सिंपल सी टेक्निक, हम डिवाइड क्यों करते हैं, ध्यान से देखो, जो नंबर 48 से डिवाइड हो जाएगा वो 12 और 16 24 से तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि 12 16 24 का एलसीएम 48 है, यानी कि 12 16 और 24 से 48 कटता है। तो जो नंबर 48 से डिवाइड हो जाएगा वो इन तीनों से भी हो जाएगा। सबसे पहले हम डिवाइड होने वाला नंबर निकालेंगे, ये रिमाइंडर तो हम निकाल लेंगे, ये तो रिमाइंडर तो लास्ट में करना है, रिमाइंडर तो आ जाएंगे। आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 48 से डिवाइड हो, तो आप क्या करेंगे 48 से सबसे बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, उससे बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता कोई फोर डिजिट का, 9999 डिवाइड कर दो, 48 टू जा 96, कितना बचा 39। अब यहाँ से एक 9 और कैरी लेना पड़ेगा तो यहाँ जीरो लगा देंगे, उसका वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 48 को अब इससे अब देखो 48 का टेबल कितनी बार चलेगा कि 399 के पास पास आ जाए, आप भी इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 48 साइड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर 48 इंटू मैं 8 करूँ तो 8 8 जा 64 6 बचेगा, 8 4 जा 32 32 और 6 38, हाँ मेरा काम हो गया, 384 आ गया इसके आसपास ही है। तो 38 बार चलेगा तो 384 आ गया, आपका रिमाइंडर बच गया 5 और 1, 15 रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना। तो 15 रिमाइंडर बचने का मतलब है कि 9999 में 15 एक्स्ट्रा है। यार इस थ्योरी को समझो, इतनी प्यारी थ्योरी है ना कि हम सबसे बड़े नंबर को 48 से डिवाइड कर देते हैं, कि अगर यही सबसे बड़ा नंबर 48 से डिवाइड हो गया तो ये हमारा आंसर है, अगर ये डिवाइड ना हुआ तो रिमाइंडर तो आएगा। रिमाइंडर हमें क्या बताता है, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, एक्स्ट्रा, 9999 में 15 एक्स्ट्रा है, अगर ये 15 ना होता तो ये 48 से डिवाइड हो जाता, सिंपल लॉजिक। तो सिंपल है, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है हिंदी में देखो, शेषफल, शेष मतलब एक्स्ट्रा, फालतू, ये 15 फालतू है, 9999 में 15 फालतू, माइनस कर दो 9999 में से 15 माइनस कर दो तो आपका आ गया 9984, तो 9984 9984 इज द बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर। ये आपका बिगेस्ट फोर डिजिट नंबर है जो कि 48 से डिवाइड होता है। तो जब 48 से डिवाइड हो जाएगा तो 12, 16 और 24 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। लेकिन मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, 2, 6, 14, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस को माइनस, माइनस 10, लास्ट में माइनस 10 कर देंगे। तो 9974 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना।
तीनों ही क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ऐसा समझना, पेपर में भी ये लगा दो, ये इत्तेफाक से ऐसा हुआ, कॉन्सिडेंस ऐसा है, ठीक है ना। तो 9974 इज दी आंसर। तो कुछ ये वाला इस वीडियो में हमने समझा कि एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें रिमाइंडर अलग अलग होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो 2, 6, 14 अलग अलग रिमाइंडर बच रहे थे, इनका डिफरेंस देख लेंगे 10। तो जिसमें अलग अलग, फाइनल में ये कहूँगा जिसमें अलग अलग रिमाइंडर होते हैं उसमें डिफरेंस को माइनस कर देंगे लास्ट में, और जिसमें एक ही रिमाइंडर होता है तो वो रिमाइंडर उठा के प्लस कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।